अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुमार के अपकमिंग एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होते हुए दिखाई देंगे। फाइज जैसे ही होश में आता है उसको हरीम की बातें याद आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरीके से हरीम उससे गिड़गिड़ा के उसको अपने ऊपर यकीन करने की बात कर रही थी। हरीम ने फाइज से क्योंकि पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ऊपर कोई भी बात या कोई भी तोहमत लगती है आप मुझे जिंदगी में कभी भी छोड़िएगा नहीं, मुझसे सच्चाई जरूर जान लीजिएगा। यही बात फाइज सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि उसने आखिर हरीम की बेगुनाही सुने बगैर खुद से ही फैसला कैसे कर लिया। मजीद फायद नर्सिस से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी बीवी को यहाँ उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। दूसरी जानेब आप देखेंगे कहकशा लाइबा से कहती है, तुम्हारे बाबा की सीरियस बहुत ज्यादा नाजुक हाल में है, जेल से कॉल आई थी मेरे पास, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। लाइबा अपनी माँ को तसल्ली देती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत बनाए रखें, कुछ भी बुरा नहीं होगा हमारे साथ। उसके बाद थोड़ी ही देर में कहकशा के पास एक कॉल आती है, जो कॉल करने वाला होता है उस शख्स का नाम है नासिर। नासिर कहकशा से कहता है अगर उसको उसकी रकम ना मिली तो वो कुछ भी नहीं उल्टा सीधा छोड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ फाइज को बता देगा और उसके बाद जो भी कहकशा की हालत होगी उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। ये सुनने के बाद कहकशा परेशान हो जाती है और नासिर से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे थोड़ी मोहलत तो दो, मैं तुम्हारे लिए पैसों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर लूंगी। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर लगा करें।